आज 128 डोमियर एक्सप्रेस सनामा तक 1 घंटा 50 मिनट लेट है, और सनामा में तो बिल्कुल फॉग नहीं है। तो इसके लेट होने की वजह वैसे है फॉग, क्योंकि कलूरकोट साइड पे बहुत ज़्यादा फॉग थी सुबह, यानी 2-3 बजे। तो इसी वजह से 128 डाउन जो है ना स्लो स्लो आई है कलूरकोट से। कलूरकोट से तकरीबन करोड़ तक बहुत ज़्यादा फॉग थी, जिस वजह से ये 128 डाउन जो है लेट हुई है। और आज इसके साथ लोकोमोटिव आ रहा है HBU 28041, जो कि कल 129 आपके साथ लेवल क्रॉसिंग पे ठहरा रहा था। आज डेट है जी 1 जनवरी 2024, और आज नया साल जो है वो शुरू हो गया है। तो मेरी दुआ है कि ये साल हम सब के लिए खुशियों का साल साबित हो, और पाकिस्तान रेलवे भी बहुत तरक्की करे इस साल में। वैसे वेदर इधर भी क्लाउडी है, और फाटक बंद हो गया है दूसरी तरफ, देख सकते हैं। तो आइए फिर देखते हैं 128 डाउन 8041 के साथ सनामा से पास होते हुए। और पाकिस्तान रेलवे में एक और ZCUP 3054 लोकोमोटिव जो है उसमें एक LED मॉनिटर कैमरा लगाया गया है, यानी इंजन में छोटी सी LED फिट की गई है, और इंजन के जो आगे हेडलाइट्स के साथ एक कैमरा फिट किया गया है, जिसमें वो कैमरा जो है ना फॉगी वेदर में आगे रास्ते का तय कर लेता है, यानी कुछ दूर तक पता लगा लेता है कि रेलवे ट्रैक पे कोई यानी ट्रैफिक वगैरह जो तो नहीं गुजर रही, यानी लेवल क्रॉसिंग से, या फिर कोई रेलवे ट्रैक पे यानी कि लोग हों, तो उस कैमरा से यानी कि पहले ही पता चल जाता है फॉगी वेदर में। तो ZCUP 30 लोकोमोटिव जो कि पाकिस्तान रेलवे की लोकोमोटिव है, उसमें ये सिस्टम फिट कर दिया गया है। और आज ZCUP 30 हमारे पास आएगा ZVKH के साथ। 128 डाउन की स्पीड से आ रही है। तकरीबन 45 की स्पीड से 128 डाउन पास हुई है 8041 के साथ, और अब आइडल नॉचेज में जा रही है, यानी नॉचेज ड्राइवर साहब ने काम कर दिए हैं। अब 129 अब थल एक्सप्रेस HBU 28052 लोकोमोटिव के साथ 20 मिनट लेट सनामा लेवल क्रॉसिंग के करीब पहुंच रही है। और आज डेट है 1 जनवरी 2024 बल्कि, और टाइम हो चुका है 8:52। 129 अप महमूद कोट तक, वैसे राइट टाइम आ रही थी, लेकिन 128 डाउन का क्रॉस हुआ है महमूद कोट में, तो इसी वजह से फिर 128 डाउन के लिए इसको रोक दिया गया था, तब ये लेट हो गई अब 20 मिनट। और मैं आज आपको थल एक्सप्रेस के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, यानी जब इसको GMCU 15 के लोकोमोटिव्स लगते थे, तो 2019 में जब थल एक्सप्रेस चली थी, फरवरी 12 2019 में फर्स्ट टाइम थल एक्सप्रेस यानी कि हमारे सेक्शन पर चली थी, वो भी तकरीबन 5-7 साल के बाद। तो पहले दिन इसको PHA 20-83-18 लगा था मुल्तान से, और रावलपिंडी से इसको लगाया गया था ZCU 20
64/27 और उस वक्त के जो रेलवे मिनिस्टर थे शेख रशीद, उनकी एक सलून भी ट्रेन के साथ अटैच थी, यानी रावलपिंडी से लगी थी। 130 ड्रोन था एक्सप्रेस के साथ। तो बस यानी कि जब थाल एक्सप्रेस चली है तो 5-7 महीने तक 10 कोचेस के साथ चलती रही है, 2 एसिस्टेंट कोचेस। और यानी उस वक्त तो ट्रेन में इतना ख़ास रश नहीं होता था। बस ऐसा ऐसा फिर ट्रेन जो है कामयाब होने लगी, यानी कि चलती गई। तो जब इसका 1 साल के करीब का अर्सा होने वाला था तो तब जो है ना फिर इसकी कोचेज आहिस्ता आहिस्ता जो है ना 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 होने लगी। तो तब तक तो फिर इसको हिटाची के लोकोमोटिव लगते रहे, यानी 6 कोचेज तक भी लगते रहे। लेकिन जब फिर इसकी कोचेज की तादाद 5 पे आ गई है, जिनमें 4 इकानमी क्लास कोचेज और 1 पावर वैन, तो फिर इसके साथ GMCU-15 के लोकोमोटिव्स लगना स्टार्ट हो गए थे। और ये बिल्कुल जैसे शटल ट्रेनें होती हैं, तो ये शटल ट्रेन बन चुकी थी, यानी 4 कोचेस तो सारी होती थी, तो उसमें क्या मुसाफिर बैठते। वैसे तो ट्रेन फुल होती थी, लेकिन क्या उसकी अर्निंग होती होगी। तो 4 कोचेस होती थी, 1 पावर मैन होती थी, 5 का टोटल लोड होता था। और उसके साथ हिटाची के लोकोमोटिव लगाना भी तो अच्छी बात नहीं है ना, ख़ामखा में ज़्यादा डीजल ज़ाया करने वाली बात। तो इसी वजह से फिर थाल एक्सप्रेस जो है यानी कि तनजली की तरफ आने लगी। 5 कोचेज हो गई थी, यानी कि 5 कोचेज 49 वाली पावर लगती थी। तो बस फिर क्या होना था, 2020 में 129 अप 130 कोरोना की वजह से बंद हो गई, यानी 129 और 130 को बंद कर दिया गया। और उसके बाद फिर अब चली है ये 21 अप्रैल 2022 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसको जो है ना 2 साल के करीब होने वाले हैं और ये तरक्की की तरफ गामजन है और स्टिल चल रही है हमारे सेक्शन पे। और हमारी दुआ है कि ये ट्रेन हमेशा इधर चलती रहे। तो 129 अप आज 80-52 के साथ आ रही है। फिर आइए देखते हैं सलामत से पास होते हुए। ये थी थाल एक्सप्रेस की इंफॉर्मेटिव वीडियो, यानी थाल एक्सप्रेस स्टार्ट होने से बंद होने तक और अगेन स्टार्ट होने तक। ट्रेन की लाइट्स पहले बंद थी और अब ड्राइवर साहब ने साथ आके ऑन की है, क्योंकि क्रॉस हुआ था ना 128 डाउन का। जो कि 48 की स्पीड से पास हुई है।